हेलो एवरीवन, चलिए ये बहुत छोटा सा सेशन आपके लिए। इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाइस के क्वेश्चंस कुछ। कैसे देखिए, वैसे तो डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर हम इसमें एक डाइस का टाइप देखेंगे और वो टाइप क्या है वो देखिए। ये देखिए, यहाँ लिखा है 5 2 3 और यहाँ लिखा है 5 6 4। ध्यान से देखिए, ये एक डाइस की ऐसी दो पोजीशन है, ये डाइस की ऐसी दो पोजीशन है जिनके अंदर एक सरफेस कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। कितना सरफेस कॉमन है? एक सरफेस कॉमन है। तो जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, डाइस की दो पोजीशन दिखाई दे और उसमें एक सरफेस कॉमन हो, यानी कि कोई एक अंक कॉमन हो, तब उस सिचुएशन में डाइस को सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए मैं बताता हूँ आपको। जरा ध्यान से देखिए, जब आपको दिखे कि एक अंक कॉमन है, तो जो कॉमन वाला अंक है, देख पा रहे हैं आप कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5। जो कॉमन अंक है वहां से आप घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाइए, वहां से अब घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाइए, मींस क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए। रोटेट होते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 5 2 2 और 3। 5 2 3 यहां से करेंगे तो 5 6 और 4। अब देखिए, डाइस में अंक होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ हमें सब दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा, केवल एक नहीं दिख रहा है। अब इस तरीके से जो चीज़ें आई हैं हमारे सामने कि 3 के साथ 4 लिखा है, 2 के साथ 6 लिखा है, 5 के साथ 1, तो हम कहेंगे कि 3 के अपोजिट है 4, 2 के अपोजिट है 6 और 5 के अपोजिट है 1। इसका मतलब है 5 के विपरीत 1 आया है। एक और चीज़ है डाइस में कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अंक 2 के विपरीत, तो भाई 2 के विपरीत कौन सा अंक आया है, आंसर हो जाता 6, आंसर हो जाता 6। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी दो पोजीशंस के बारे में जिसमें एक अंक कॉमन हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, हमें डाइस की पोजीशन दी गई है 1 और 2। एक डाइस की दो पोजीशन आपको दे दी गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां लिखा है आपके पास 6 1 और 3 और यहां लिखा है 6 4 और 2। आप मुझे देखकर बताइए इन डाइस की दो पोजीशन पर, एक डाइस की दो पोजीशन देखने पर आपको क्या प्रतीत हो रहा है, इन दोनों में क्या समानता नजर आ रही है? इन दोनों में समानता नजर आ रही है कि इसमें अंक 6 जो है कॉमन है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अंक 4 के विपरीत बताना है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक, तो देखिए यहां से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, यहां से भी चलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चले 6 3 और 1, यहां से चलेंगे 6 2 और 4। क्लॉकवाइज चलने के बाद हमारे पास जो अंक शेष है, जो यहाँ नहीं है, वो कौन सा है, वो है 5। दैट मीन्स 1 के अपोजिट आएगा 4, 3 के अपोजिट मिलेगा 5, 3 के अपोजिट 2 और 5 के अपोजिट 6। हमसे पूछा था 4 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आया भाई, 4 के विपरीत कौन सा अंक आया है, 4 के विपरीत अंक आया है 1, आंसर है 1। तो क्लियर है, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि जब डाइस की ऐसी दो पोजीशन दी जाए जिसके अंदर एक अंक कॉमन हो। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, आइए देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर जो भी अंक होते हैं विपरीत, वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। और यहाँ मैंने लिखा 1 2 और 5 और यहाँ लिखा मैंने 1 3 और 6। बताइए इन दोनों पोजीशंस को देखकर आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, यहाँ एक समानता है क्या, ये जो अंक एक है ना कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, सर क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं हो सकते क्या? आइए, आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज बात करें तो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं कितना, 1 2 और 5 1
तीन और छः, बचा कौन सा अंक भाई चार। इसका मतलब पाँच के अपोजिट क्या है छः, दो के अपोजिट क्या है तीन, और चार के अपोजिट क्या है एक। अगर हम इसी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएं एक से, तो एक पाँच और दो, और इसमें भी एक छः और तीन, एक के अपोजिट क्या बचा चार। आप देख पा रहे होंगे दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर कर लीजिए, दोनों से हमें सेम आंसर मिला है, दोनों से हमें सेम आंसर मिला है। जब एक अंक कॉमन होता है तो आप कॉमन अंक को ऊपर नीचे लिखकर, ऊपर नीचे लिखकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो सकते हैं, आप आंसर प्राप्त कर लोगे। यहां से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता दो के विपरीत बताइए तो आप उत्तर देते तीन, अगर आपसे पूछा जाता पांच के विपरीत तो आंसर होता छः, आपसे पूछा जाता एक के विपरीत तो आप आंसर देते चार। ठीक, चलिए अब बात करता हूं मैं ऐसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां लिखा है चार छः तीन, यहां लिखा है चार पांच और एक, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन। चलिए जरा सोल्व करके बताइए इन दोनों को कैसे सोल्व किया जाएगा। और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको बताना है किसके विपरीत बताना है, आपको बताना है भी छः के विपरीत, किसके विपरीत बताना है आपको छः के विपरीत बताना है। जरा करके बताइए जल्दी फटाफट। देखिए वाह, देखिए क्या कॉमन है दोनों में भी, चार कॉमन है, क्या कॉमन है चार। जब कॉमन चार है तो चार से चलिए क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, चलिए चार छः तीन, उसमें चलिए चार पाँच और एक, बचा कौन सा अंक आपके पास, जो भी बचा है वो इसके विपरीत हो जाएगा, क्या बचा दो। इसका मतलब हमने पूछा था छः के विपरीत, तो छः के विपरीत क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा भाई पाँच आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा पाँच आंसर हो जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने टाइप के एक डाइस के एक टाइप के क्वेश्चन को करना सिखाया। ठीक है, आगे भी ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं आपको लेके आता रहूँगा जिसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी डिटेल्स वीडियो टॉपिक वाइज वो हम बनाए रहें वो आप देखते रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।